नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं परवीन पठान, आपके सामने क्राइम 7 न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सूरत में बढ़ता अपराध का ग्राफ और कैसे और कब करेगी शहर पुलिस गुनाहों का पर्दाफाश। देखिए, सूरत के रानी तालाब कासकी वार्ड में स्थित पारसी शहरी में रहने वाले शाहनवाज उर्फ शानू यूसुफ मियाँ शेख, जो अपने घर के समीप ही प्रोविजन स्टोर चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। शाहनवाज के परिवार में एक पत्नी और दो संतान है। इस दौरान शाहनवाज को महाराष्ट्र की अमरावती की निवासी जुलेखा उर्फ वर्षा सैयद नामक युवती के साथ पिछले 1.5 वर्ष से परिचय हुआ और जुलेखा का कोई रिश्तेदार नहीं होने से और जुलेखा गरीब परिवार की होने से धीरे धीरे शाहनवाज और जुलेखा के बीच प्रेम संबंध हुआ और शाहनवाज जुलेखा को अपने घर पर रहने के लिए लाया। इस दौरान जुलेखा और शाहनवाज की पहली पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होने लगा, जिससे जुलेखा काफी समय से अलग रहने की जिद करने लगी, शाहनवाज से करने लगी और दोनों के बीच चल रहे इस रोज के झगड़े से तंग आकर गत रोज शाहनवाज ने गला दबाकर जुलेखा की हत्या कर दी और इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के इरादे से ठंडे कलेजे शाहनवाज ने लाश के अनेक टुकड़े किए। जुलेखा के शरीर के हाथ पैर सर सहित अलग करने के बाद टुकड़े एक थैले में भरकर शाहनवाज भाटेरा में स्थित एक खाड़ी में फेंकने जा रहा था। तभी खाड़ी के पास उदना पुलिस थाने के कांस्टेबल जयप्रकाश तिवारी को शंका होने पर थैले की जांच करने पर उसमें से लाश के टुकड़े मिलने की हकीकत बाहर आई और सारा मामला उजागर हुआ, जिससे उदना पुलिस ने शाहनवाज को गिरफ्तार किया। जी सर, उदना पुलिस स्टेशन के भाटेना चौकी के हेड कांस्टेबल जयप्रकाश तिवारी अपने स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग में थे। उस वक्त भाटेना खाड़ी के पास एक इसम को शकमंद हालत में देखा गया। वो कुछ चीज़ फेंक रहा था। उसके शक की बिना वजह पे उसके पूछताछ करने पर थोड़ा डाउट हुआ तो उन्होंने अपने पुलिस पीआई को बुलाया तो उतना पीआई उनको पुलिस स्टेशन ले गए। उनका नाम पता पूछताछ में पता चला कि उसका नाम शाहनवाज यूसुफ शेख है और वो कासकीवाड़ सूरत पारसीवाड़ में रहते हैं। उन्होंने उनकी जो परिचित है झूलेखा, उसका मर्डर कर दिया है कुछ कंकास की वजह से और उसके जो अंग है हाथ पाँव वो उसके खाड़ी में फेंकने आया था और बाकी के अंग वहाँ पे उसका घर पड़े हैं। ऐसे पूछताछ के दौरान माहिती मिलते ही तुरंत पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और उसके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, किसे करते थे, मतलब टुकड़े किए गए थे और कहाँ का टुकड़े डाले गए थे? प्राइमरी पूछताछ में उसे बताया गया कि ONGC ब्रिज और भाटेरा ब्रिज में उसने उसके अंग फेंके हैं। और कुछ अंग घर पे भी? यस, उसके अंग घर पे भी है, वो सभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, क्या हत्या का कारण क्या हो सकता है? प्राइमरी तो ऐसा पता चला है कि उसके कुछ झगड़ा हुआ था उन लोगों के, उसमें उसने मार दिया है। वो आरोपी के पूछताछ के बाद पता चलेगा, चलो तपास दरमियान सामने आवश्य। कैमरामैन सादिक पठान के साथ संवाददाता परवीन पठान, क्राइम 7 न्यूज सूरत।